हाँ जी, तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम निकले हैं एक हिडन वाटरफॉल की तलाश में और बस उसी झरने की खोज में हम पहुंचे हैं चकोड़ी। हम चकोड़ी पहुंचे और वहां से हमें लोगों ने सजेस्ट किया कि हम काली ताल को विजिट करें। यहां पे मक्कू ने ढेर सारी स्विमिंग करी, गोस्टू ने कुछ भेड़े देखी, हमने भी थोड़ी देर चिल किया एंड अब 3-4 घंटे यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम सोच रहे हैं कि चलो अब घर चलते हैं। पर घर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना यहाँ बैठ के एक अच्छा सा मैसेज शूट कर लूँ, और मेरे वीडियो शूट होने तक रिम्मी और नट्टू गोस्टू को लेकर झरने के टॉप पे जा चुके थे और वहाँ से फिर मेरे को कॉल करने लगे कि जल्दी से ऊपर आओ और आके देख कि क्या अमेजिंग नज़ारे हैं भाई यहाँ के। अब यार झरने को ऊपर से कौन नहीं देखना चाहता, राइट? तो फिर मैं भी चले गया ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि गोश्त को तो पानी से डर लगता है, तो ये नट्टू को खींच के पानी में क्यों लेके जा रहा है। एक्चुअली पास में ही भेड़ों का एक झुंड आया हुआ है और गोश्त के कानों में उनकी आवाज आ गई, जो कि हमने लेटर ऑन डिस्कवर किया था, और उन्हीं के चक्कर में पानी के अंदर जा रहा है गोश्तू, और ये आ गया मक्कू ऊपर से। आज तक गोश्तू जितने बार भी पानी में गया है, बस पानी पैर डालता है उसके बाद वो घबरा जाता है, और यहाँ पे भी ना बेचारा ट्रैप सा हो गया, पानी चारों ओर पानी है और पीछे फंस गया बेचारा। अब ना तो वो आगे जा पा रहा है ना पीछे, और मैक्स को देखना कितना कंफर्टेबली, मतलब मैं रास्ता ही ढूंढ रहा हूँ, कैसे बढ़िया से देख रहा हूँ कैसे पानी में चल चल के आ रहा है। झरने के ऊपर पहुँचने का रास्ता थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि रॉक्स के थ्रू आना था या तो पानी से आना था, तो मैं तो रॉक्स के ऊपर से आया, और मैक्स को देखना कैसे पानी के बीच बीच से चल के आ रहा है, ये सच में मछली है यार, सच में। और गोस्टू को देखना बेचारा यार कैसे फंस गया है। इवेंचुअली गोस्ट ने हार मानी ली, भेड़ बकरी छोड़ के वो हमारे पास ही आ गया, एंड हम लोग भी यहाँ पे खड़े थे, चिल मार रहे थे, नज़ारे देख रहे थे। झरने को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखना भी दोस्तों बड़ी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बड़ी यूनिक सी फीलिंग है। तो गाइस अभी हम झरने के ऊपर आ गए और हमने देखा, देखे तो सही कैसा लग रहा है, प्लस मैं इनके बच्चों के लिए थोड़ा स्नैक्स भी लाया था, तो उनको यहीं पे खिला देते हैं और फिर नीचे जाएंगे दोबारा से मस्ती करेंगे। ऐसा क्या गुनाह किया हैं आपके लिए स्नैक्स, आ जाओ। एक्चुअली थक भी जाते हैं बच्चे, तो ज़रूरी है इनके लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स कैरी करना। और ये रैपर गाइस घर लेके जाने हैं, यहाँ पे नहीं छोड़ने। अब क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था तो हमें लगा कि अब घर जाने का ना ये एकदम सही टाइम है। तो एज यूजुअल गोस्टू मेरे आगे, मक्कू मेरे पीछे, हम चल रहे हैं, और चलते 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 एकदम से आवाज आई छपैक। देखा मक्कू भाई साहब ने, मक्कू ने सोचा भाई अब जा रहे हैं घर, तो एक आखिरी जो है पानी में डुबकी मार लेता हूँ। और मैक्स ने ना काफ़ी हाइट से पानी में कूद मारती थी, मतलब अराउंड 5 फीट के आसपास हाइट होगी, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट नीचे ना पत्थर थे तो हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी मैक्स को हो गया, ऐसे आवाज भी करी उसने, और फिर हल्का लंगड़ा लंगड़ा थे हमारे पास आ गया। एंड मेरे को लगा इसको क्या पता चोट लगी, मैंने देखा कि एवरीथिंग सीम्ड ओके, फिर मैक्स ठीक से चलने भी लग गया, तो हमने अपना घर को जाना कंटिन्यू कर दिया। हम चौकोड़ी की तरफ जा ही रहे थे कि पीछे से हॉर्न की आवाज आई, पीप 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 पीप, और हमें लगा हमारा कोई सब्सक्राइबर हो सकता है शायद, तो हमने कार रोक ली। तो ये जनाब है भानु, भानु इसी एरिया को बिलोंग करते हैं और ऑफ कोर्स हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। खैर भानु के बारे में तो आप अगले वीडियो में बहुत अच्छे से जानने वाले हो, पर फिलहाल कुछ चिट चैट चल रही है हमारी उनसे कि भैया कहाँ पे क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना झरना कहाँ है, तो वही सब बातें चल रही हैं। काफ़ी बड़ा सा नाम क्या था, भूल गया है, ऐसे कुछ नाम था, मतलब शीर तो इसी रोड नहीं, शीर नहीं यार वो था, मतलब काफ़ी मैसिव है, सिंगल झरना है पर बड़ा है काफ़ी। अच्छा भानु जिस झरने का नाम ले रहा है ना छीर, वही झरना है एक्चुअली, पर क्योंकि उस झरने का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उस झरने को बुलाया जाता है, तो इस वजह से हमें ना कन्फ्यूजन हो रहा था, और वो इतना बड़ा मैसिव झरना था, तो यार मैं वही कन्फ्यूज था कि कोई बता क्यों नहीं पा रहे हमें। तो खैर हम भानु से मिले, हाय हेलो कर, और हम आगे अपने गेस्ट हाउस की तरफ चले गए। गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते हम बहुत थक गए थे, रात भी हो गई थी, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो हम सब ने सोचा कि यार चलो लेट्स कॉल इट अ डे, और अब कल उठ के देखेंगे कि यार अगले दिन की प्लानिंग हमने क्या करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे,
तो अगेन इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, पर हमने देखा कि मैक्स जो है ना वो लंगड़ा रहा है। एंड आपको पता है ना, मक्कू को जब खरोच भी आती है तो दिल मेरा आई नो बैठ जाता है, बट जाके देखा मैक्स को तो उसके पॉ में ना चोट थी, उसका पॉ जो था वो घिस गया था। सो गाइस अभी हमने चेक किया, ये आप देख रहोगे ये मैक्स के जो पैर है ना इसमें हल्का सा ये छिल गया है पॉ। ये एक्चुअली कर हुआ क्योंकि मैक्स ने एक नीचे जंप मारी तो मे बी वो रॉक से घिस गया है। सो अभी हम थोड़ा सा दवाई वगैरह मंगा रहे हैं प्रिकॉशनरी, मक्कू को बैटिंग वैटिंग करके पट्टी कर देंगे, सोचे चलने में इसके पॉ और घिसे ना, जब ये स्विमिंग करेगा तो उसे हटा देंगे और जब ये दोबारा स्विमिंग कर लेगा तो उसके पॉ को सुखा के दोबारा से बात देंगे। ठीक है मैक्स, डन। अब एक इशू जो हमें आया कि हमेशा मैं क्या करता हूँ, अपना और बच्चों का फर्स्ट एड कैरी करता हूँ, पर पता नहीं कैसे इस ट्रिप में वो फर्स्ट एड मेरे से मिस हो गया। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पूरी गाड़ी छान दी, पर कहीं भी नहीं मिला, विच मेंट कि अब हमें यहाँ से आधा घंटा दूर एक शहर है बेरीनाग, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से मैक्स के लिए दवाइयाँ और फर्स्ट एड का सामान लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डिसाइड हुआ कि हम मैक्स को उसको भी अपने साथ बेरीनाग लेके जाएंगे, जस्ट इन केस हमें वेटनरी डॉक्टर मिल गया तो उसी से मक्कू की पट्टी करा देंगे, और अगर डॉक्टर हमें नहीं मिलते हैं तो फिर आपका भाई है ना मक्कू का ख्याल रखने के लिए, तो मक्कू का ख्याल तो आपका भाई रख लेगा, पर आपको अपना ख्याल रखने के लिए खासतौर से अगर आप पहाड़ों पर हैं, एडवेंचर पर जाते हैं या हार्श सन में अगर आप बाहर निकलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। सो दिस इज़ मामा अर्थ्स अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, इसमें है SPF 50 एंड इसका मेन इंग्रेडिएंट है कैरेट सीड एंड टर्मरिक। दोस्तों मामा अर्थ है तो आपको पता है कि सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल है एंड ये हर तरह के स्किन टाइप को सूट करता है। सो दोस्तों मैंने तो नियम बना लिया कि जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मैं कुछ भी हो जाए सनस्क्रीन ज़रूर लगाता हूँ, बिकॉज सनस्क्रीन क्या करती है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और ये जो सनस्क्रीन है इसकी खासियत ये है कि ये आपकी स्किन को तो प्रोटेक्ट करती ही करती है, पर क्योंकि साथ में इसमें टर्मरिक है तो टर्मरिक होने की वजह से ये आपके एक्सेस टैन को भी हटाती है, बिकॉज इट हैज़ SPF 50 तो ये आपकी स्किन को यूवी रेज से बचाती है जिससे जो प्रीमैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा ना आइस की धर पे खास तौर से पहाड़ों में वो लाइंस पड़ जाती है, फाइन लाइंस रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उसको वो अवॉइड करती है। प्लस आपके जो इवन जो आपका स्किन टोन है बहुत इवन हो जाता है बिकॉज सनबर्न नहीं होता आपको। गाइज इस रेंज में दो सनस्क्रीन आते हैं, सो पहला है अल्ट्रालाइट इंडियन सनस्क्रीन विच हैज़ टर्मरिक एंड अदर वन इज़ हाइड्राजेल इंडियन सनस्क्रीन विच हैज़ एलोवेरा। तो मामाअर्थ के बारे में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये जो ब्रांड है दिस इज़ क्रुएल्टी फ्री, इसको पेटा से क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनीज का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम मामाअर्थ की यूज़ करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी एनिमल को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचे। दूसरा, मामाअर्थ से जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर को मामाअर्थ लिंक करता है एक पेड़ से जो कि वो प्लांट करेंगे, एंड बाय 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट ओवर 1 मिलियन ट्रीज विच इज़ जस्ट अमेजिंग एंड दैट्स व्हाई आई लव देम सो मच। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये mamaearth.in, Amazon, Nykaa एंड Flipkart पर अवेलेबल हैं, और दोस्तों अगर आप हमारी हिमालयन आर्मी इसे परचेज करना चाहती है तो वो हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं Husky2021 जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक देम आउट। सो जब हम मैक्स के लिए दवाई वगैरह ले रहे थे तो वहाँ पे लोगों से हमने कुछ बातचीत करी है ना, हमें अंदाज़ा आ गया कि झरने की लोकेशन कहाँ है, तो हमें ये समझ में आया कि जो काली ताल हम जहाँ गए थे ये झरना उसके आस पास ही कहीं पे। ये हम यहाँ पे हैं, ये रोड जा रही है ये पीछे, ये रोड जा रही है आगे, ये रहा देरी नंबर, ठीक है, रोड दिख रही है। हाँ, और जहाँ तक भैया कह रहे हैं ना, अब देखो भैया कह रहे हैं कि ये इस झरने से भी आगे है, तो डैट मीन्स अगर हम यहाँ से जाएंगे तो फिर पीछे आके इसी रोड पे आनी पड़ेगी। अब यहाँ की तो रोड पे हम जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी फंसेगी, तो इधर से देखना अगर ये रूट सही है तो गाड़ी ले जा सकते हैं, फिर यहाँ से जितना भी किलोमीटर होगा इधर या इधर, मेरे ख्याल से इधर ही होना चाहिए, बताऊँ क्यों, क्योंकि पानी इधर से बह रहा उस तरफ को, ये वाला झरना भी ऐसे ही था गाड़, तो मेरे ख्याल से दूसरी गाड़ जो आएगी पुल जो आएगा वहीं आसपास होना चाहिए वो झरना। ये वो जगह है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और ये है तुनखोला वाटरफॉल यानी कालीताल वाटरफॉल जहाँ पे हम कल गए थे। सो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से तुनखोला का रास्ता ये रोड जाती है, काफ़ी लंबा रास्ता है, एंड देन आगे से ये कच्चे रास्ते पे हम आते हैं और आते 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 तक इसी तरह से यहाँ पहुँचते हैं।
एंड जो हमारी मंजिल है वो है दोस्तों ये है हमारी मंजिल छीड़। और यहाँ पे जाने के लिए फिर यहीं से हमें रास्ते से कच्ची रोड जाते 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 यहाँ पे विलेज आता है और यहाँ से हम पैदल इसमें जाते हैं। तो ये जो रोड है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सारा मोटरेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपने देखा ये जो रास्ता है, कल हमारी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाई थी। तो एक रास्ता और है जो इस रोड को अटैच करता है, वो है यहाँ से। तो यहाँ से होते हुए जाता है एंड यहाँ से घूमते हुए यहाँ से कहीं से ये इस पर कनेक्ट करता है। तो मैंने नट्टू से बोला, क्योंकि इस रास्ते से तो हमारी गाड़ी जा नहीं पाई, तो मैंने सजेस्ट किया कि जब तक मैं मैक्स को पट्टी वट्टी करवा दूँ, वो रेस्ट कर ले, तब तक तुम अपनी बाइक लेके इस रास्ते से चले जाओ और इस रास्ते से जाके देखो कि क्या यहाँ से गाड़ी लेके जाना फीजिबल है, और अगर है तो वेरी गुड, क्योंकि अगर है तो फिर मक्कू को हमें ज़्यादा चलवाना नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का प्लान। तो गाइस अभी हमने ये करा है डिसाइड कि झरने पे आज नहीं जा रहे, क्योंकि मैक्स से थोड़ा लगी भी है और लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा रोड टूटे तो ट्रैक करना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर। तो 2-3 किलोमीटर में मेरे को डर है मैक्स से चोट ना लग जाए। तो अभी हम जा रहे हैं बेरीनाग, वहाँ पे अगर वेटनरी हॉस्पिटल में कोई हुआ तो वहाँ मक्कू को दिखा लेंगे, और एल्स मेरे को पट्टी वट्टी करनी तो आती है, पट्टी वट्टी लेके वहाँ से दोबारा से इसकी पट्टी करके आज रेस्ट करेंगे। और नट्टू और रिम्मी जा रहे हैं अभी झरने पर बाइक लेके, बाइक चले जाएगी क्योंकि, तो ये जाके वहाँ सब एक्सप्लोर कराएंगे भाई कितना चलना है, क्या चलना है, कैसे चलना है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कल भी नहीं जाएंगे, फिर विल गो बैक होम। तो नट्टू निकल गया उस रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले तो मक्खन जैसी रोड थी और फिर आया ये कच्चा रास्ता। अब दोस्तों नट्टू जो है ना बहुत ही क्रेजी ऑफ रोडर है, तो ऐसे रास्ते इसके लिए कुछ नहीं है। पर जो रास्ता था पहले तो हल्का कच्चा था, फिर थोड़ा ज़्यादा कच्चा हो गया, फिर थोड़ा और ज़्यादा कच्चा हो गया, और एक पॉइंट पर ऐसा रास्ता आ गया जहाँ पर बाइक तो शायद निकल भी जाए, कार का निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। देखो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि दूसरा रास्ता तो हमारे किसी काम का नहीं था। अगर हमें जाना था तो पहले वाले रास्ते से ही जाना था, वो कैसे जाना था उसकी प्लानिंग हमने करनी थी। एंड जब तक नट्टू बेचारा इस रास्ते से जूझ रहा है, तब तक मैं होम स्टे पहुँच चुका हूँ और वहाँ पे मैंने मक्कू की पट्टी भी कर दी है। गाइस ये बीटाडीन है और ये सबसे सही चीज़ है, ये किसी भी तरह की चोट में आप लगा सकते हो। मतलब है तो निकोटीन पर, वो बीटाडीन की बहन है। आपको थोड़ा सा दर्द होने वाला है, हल्का सा भी तो बच बच बच। दर्द हो रहा है? चुनो डॉक्टर ने, हल्द्वानी वाले ने सिखाया था अच्छे से ड्रेसिंग करना, कैसे करते हो छोड़ बाप। मैक्स का पैर अब बिल्कुल सॉर्टेड हो चुका है फिलहाल, कुछ नहीं अभी कहीं भी दौड़े खेले फिलहाल, उसको दर्द तो नहीं होने वाला है अभी, इतना हमने कर दिया है। और रात को उसकी पट्टी खोल देंगे ताकि हवा लग जाए घाव में, दवाई भी लगा देंगे, और ये चाट चाटता है ना वो दिक्कत है। और कल तक मक्कू बिल्कुल हाइक करने लायक हो जाएगा मस्त, ठीक है। खैर जब तक मैंने मक्कू की पट्टी करी तब तक नट्टू भी वापस आ गया। फिर नट्टू जब आया मेरे पास तो नट्टू ने बोला कि खत्री ऐसा है कि अभी तो बच्चे सो रहे हैं और बच्चों को भी कहीं लेके तो हमने जाना नहीं, तो यहाँ पास में एक आश्रम है तो प्लीज़ वहाँ पर मेरे साथ चल। तो यूजुअली मैं ऐसी जगहों पे दोस्तों ना जाता नहीं हूँ, ना मैं मंदिर जाना पसंद करता हूँ, ना मैं ऐसे आश्रम में जाना, क्योंकि यार देखो दिल से जब आपका मन होता है तभी आपको ऐसी जगह जाना चाहिए। पर नट्टू ने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया तो मैं और नट्टू रिम्मी उस आश्रम में हम लोग गए। बहुत ही पीसफुल है और जगह भी थोड़ा हटके है चौकड़ी से ना, ऑफ रोड करके बिल्कुल। ये जो घर है ना दाएं बाएं मूवी में कार रख दी थी यही वाला होगा। वैसे कैसा वो लग रहा है ना, ये खंडर था इसमें रखी थी सही मूवी। अब इस अर्थ को पढ़ोगे बेटा तो हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो जाति कहते हैं ये जाति नहीं है, महापुरुष है उनका ही करना होगा क्योंकि इनकी शरीर निर्विकार है। आश्रम में हमें बाबा जी मिले, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें करी, बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई, एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के। एंड हम बात कर ही रहे थे कि शाम की आरती का समय हो गया, और ये जो आरती थी दोस्तों ये अलग थी पर उतनी ही खूबसूरत।
बाबा जी से आरती होने के बाद भी हमने काफ़ी सारी बातें करी, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाबा जी ने हमें बताई। मानो हमें आने वाली लड़ाइयाँ, जो मैक्स की तबीयत ख़राब होने वाली है एंड यू नो उसकी कैंसर से फाइट, मे बी यूनिवर्स मेरे को उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। एंड यहाँ से जब हम फ्री हो गए तो हम वापस अपने गेस्ट हाउस गए एंड देन वही जद्दोजहद में फंस गए कि भैया झरने पर अब जाएँ कैसे। आश्रम से हम वापस आए, दिल हमारा एकदम शांत, मन खाली हो गया था। ये जो दिन था हमारा बहुत बिजी तो नहीं था पर बहुत ही लंबा लगा मेरे को। और रात को जब हम पहुंचे तो हमें लगा यार आज का दिन भी बीत गया और हमें उस झरने का कुछ अता पता ही नहीं है यार, कोई आइडिया ही नहीं है। एंड देन भानु हमारा सब्सक्राइबर जो हमें कल मिला था, उसने इंस्टाग्राम पे मेरे को अपनी स्टोरी में टैग कर दिया और मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, भाई से पूछता हूँ, इससे को पता है, डिटेल में पूछूंगा तो कुछ ना कुछ कहानी समझ में आएगी। देन मैंने भानु को मैसेज कर दिया कि हेलो ब्रो, ये हमें क्लियर हो गया कि वो जो झरना था ना जिसके बारे में भानु बात कर रहा था और वो जो झरना जिसमें हमें जाना है वो एक ही है। एंड थैंक गॉड वी वर सो रिलीव्ड कि एटलीस्ट हमें पता है कि कल हमें कहाँ जाना है। अब हमें बस ये वेट करना था कि कल मक्कू का पैर बस ठीक हो जाए, मक्कू एकदम अच्छे चलने लगे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा ब्रूज था तो मेरे को लग ही रहा था कि 24 घंटे में वो ठीक हो जाएगा। एंड कल फाइनली अब हम जाने वाले थे अपने उस हिडन वाटरफॉल के पास। एंड कल का जो वीडियो है ना दोस्तों वो बहुत ही क्रेजी होने वाला है, एक छोटी सी ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ। नदी क्रॉस कर रही है और बड़ा सा कूद के जाना है तो आदमियों के लिए तो ठीक है, आई डोंट नो पोस्ट मैक्स कैसे करेंगे। ओए मैक्स रहेगा तो नहीं, मैक्स 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 यार जाने की दिया यार, मगर रुक जा बेटा तो यार मेरे को। आई नो क्या बताऊँ मैं क्या क्या हमारे साथ हुआ था, बट बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखने में। सो अगला वीडियो किसी भी हाल में स्किप मत करना। आई नो उस वीडियो में थोड़ा कहानी ज़्यादा हो गई बट क्या करें, ये कहानी ज़रूरी है कल के एडवेंचर की इंटेंसिटी को समझने में। हमारे साथ क्या क्या कैसे कैसे हुआ ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो लाइक तो मार ही दो यार। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना प्यार मुझे दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़े हैं एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के। अगर आप चाहें इस वीडियो को स्प्रेड करना तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार बी काइंड टू एवरीवन, स्पेशली फॉर एनिमल्स, क्योंकि उनका ज़बान नहीं होती। एंड ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।